गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक एसएससी एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, ये अनअकैडमी का पार्ट है। आप सभी लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए ताकि क्लास शुरू हो सके। फटाफट जुड़िए। अंशील वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशील वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जुड़िए क्योंकि साइंस की क्लास आज सब लोग के लिए होने वाली है। अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुकल्प नहीं गए हैं, अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छे। अनुकल्प सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुकल्प सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आ गया, बहुत अच्छे। और वो देवी जी कहाँ हैं, आरती पटेल कहाँ हैं? सभी लोग चैनल को लाइक शेयर करें, बहुत अच्छे। बाद में नहाएंगे। अच्छा, चलिए नहाने चले गए थे आप लोग हैं। देखिए भाई, यहाँ पे आज हम लोग साइंस का डिस्कशन करने वाले हैं। अंशील वर्मा, आती पेपर है गांव में, घर में है। अच्छा देखिए भाई, तो यहाँ पे अगर बात करें तो नाम तो सभी लोग जानते हैं। जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग नाम जान ले। राजेश पोरवाल मेरा नाम है, जनरल स्टडी में पढ़ा रहा हूँ। 8 सालों से ज़्यादा मुझे जीएस पढ़ाने का अनुभव है। बैंक एंड एसएससी एग्ज़ाम के लिए मैं जीके पढ़ा रहा हूँ। मैं स्वयं भी कई सारे एग्ज़ाम के लिए अपीयर रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं। खुश रहो चरण स्पर्श भैया, खुश रहो। तबीयत बहुत ख़राब है। आशुतोष यादव जी, भगवान जल्दी ही आपको स्वस्थ करेगा। आप सभी लोगों को मैं समझ रहा हूँ, सबको इस वक्त बेटा दिक्कत हो रही है। सब लोग अपना बहुत विशेष ध्यान रखिए क्योंकि विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन हमेशा याद रखिएगा, जान है तो जहान है। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो आता है ज़िंदगी आती है, सब कुछ छोड़ के पहले जीवन को बचाना। और इसलिए इस वक्त क्रिटिकल है, कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, समय बड़ा ख़राब है। इसलिए अपने आप को सेव करने को, सुरक्षित रखने के ज़्यादा जरूर। देखिए, जिन लोगों को फीवर आ रहा, मैं उनको छोटा सजेशन दे देता हूँ। वैसे मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो मुझे आइडिया है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग को अगर किसी को फीवर आ रहा है तो प्लेन पैरासीटामॉल का ही केवल सेवन करें। डॉक्टर को दिखाएं, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को रेस्ट दें, रेस्ट करिए, खूब करिए। लिक्विड फूड खूब कम ली ज़्यादा लीजिए, ठीक। हैवी फूड कम खाइए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अबाउट, यानी कि ये मैं अपने बारे में बता रहा था। अनअकैडमी प्लस पे बच्चा, प्लस पे टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेज स्टार्ट हुए हैं। जो आप क्या कर सकते हो कर सकते हो। उनका जो उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा। हमें सर बहुत तेज़ फीवर है, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप फोरवाल10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को लेना है ठीक, 10% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत अच्छे। देखिए भाई, अनअकैडमी कम्बैट होता है एवरी संडे को। आप यहाँ पे क्लास कर सकते हैं ठीक, 12 PM पे। 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, एलिजिबल होंगे तो मिलेगा। यहाँ पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस शो हो रहा है। अगर आप 1 मंथ का लेते हैं तो 1300, 3 मंथ का लेते हैं तो 3250, 6 मंथ का लेते हैं तो 5200, और अगर 12 मंथ का लेते हैं तो 6500, 7800। लेकिन किसी भी कोर्स पे अगर फोरवाल10 का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा निश्चित रूप से। बहुत अच्छे।
चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है, निकलता है? पेंसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ईस्ट से निकलता है, सवाल से, एल्गी से निकलता है, फफूंदी, फंगस से निकलता है, लाइकेन, कवक से, लाइकेन से निकलता है। बहुत अच्छे, बताइए, सब लोग आंसर बताइए फटाफट, कोशिश करिए सभी लोग सही जवाब बताएं, सभी लोग आंसर बताएं फटाफट। एक तो चश्मा लगा लगा मैं और थक जाता हूं। भाई इस वक्त क्या हो रहा है, सब हमारी क्लास से गायब चल रहे हैं। क्या मामला है, बताइए आंसर। पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, ईस्ट से, शैवाल से, या खमीर से, यानी कि, या शैवाल से, फफूंदी से, लाइकेन से? देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब होगा फंगस, यानी कि जो पेंसिलिन प्राप्त की जाती है वो बच्चा फंगस से प्राप्त की जाती है। फंगस यानी कि कवक से हम प्राप्त करते हैं पेंसिलिन, वो भी कौन सा कवक, इस कवक के बारे में अंशिल वर्मा पढ़ाया हूँ तुम लोग को, जिसका नाम है पेंसिलियम। पेंसिलियम, पेंसिलियम एक कवक होता है जिससे बनाई जाती पेंसिलिन। पेंसिलिन को सबसे पहले खोजने का काम जो किए थे उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था बच्चा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने पेंसिलिन को सबसे पहले खोजा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया था, कवक का, यानी कि पेंसिलिन को बनाया था। और जब इन्होंने पेंसिलिन को बनाया था तो सबसे पहले म्यूकस से पेंसिलिन बनाई गई थी। म्यूकस यानी कि जो हमारे नाक बहती है, नाक निकलती है, उसको म्यूकस कहा जाता है। यम पाई यूवी स्मार्ट, नाइस सर, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पेंसिलिन की खोज किससे की गई थी, फंगस से की गई थी। कौन से फंगस से? तो पेंसिलियम फंगस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबको पता होना जरूरी है। अभय प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े। अगला क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कौन ऐसा है जो ब्लड के सर्कुलेशन में सहायता करता है? ऑप्शन है, एरिथ्रोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सभी लोग आंसर बताइए। रानी प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोलू मोलू किसको देवी जी बोल रही है, यस के आर क्रिएटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष यादव डी ऑप्शन, अनुकल्प सिंह सी ऑप्शन, अभय प्रताप सी ऑप्शन, यस के आर बी ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ सभी लोग को, ये क्वेश्चन किसी को पता नहीं, देखिए कोई बात नहीं, ये लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट आप, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इन दोनों की अगर बात करें तो दोनों को WBC कहा जाता है। क्या कहते हैं? WBC कहा जाता है, WBC ये हैं। ये बच्चा आप सबको पढ़ाया हूँ, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC, अगर पूछा जाए सबसे बड़ी WBC कौन सी है तो मोनोसाइट है, और जो लिम्फोसाइट है सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC जो है वो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है बच्चा बी लिम्फोसाइट, ठीक, बी लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। कौन सी बच्चा? दूसरी कौन सी है? टी लिम्फोसाइट। एक हो गई बी लिम्फोसाइट, दूसरी हो गई टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टी लिम्फोसाइट ही ब्लड के सर्कुलेशन को, यानी कि रक्त के संचरण को क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है।
लिम्फोसाइट ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती, ना कि बी लिम्फोसाइट। रानी प्रजापति सर, रानी मुझे बोल रही हैं आज, गुड परफॉर्मेंस। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये दोनों की दोनों WBC हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए आंसर। आज भाई तुम लोग कहाँ गायब हो? दो तीन लोग भैया क्लास बंद कर दें का? लिखा है, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? विच एमंग द फॉलोइंग इज आ लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? लिखा है पैरासीटामोल, पेंसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरो, क्लोरम, मै क्लोरो, क्लोरे, क्लोरामफेनॉल, फिनिकॉल। तो ये सभी लोग आंसर बताइए कौन सा है। ए ऑप्शन बता रहे हैं अनुकल्प सिंह, ए ऑप्शन आशुतोष यादव, ए ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन की अगर बात करें तो इसकी, देखिए पहली चीज तो प्रतिजैविक क्या होती है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक उनको कहा जाता है जो आपके शरीर में यानी कि कृत्रिम रूप से क्या करें, आपके शरीर में कृत्रिम रूप से क्या करें, एंटीबॉडी का निर्माण कर दे, उसी को एंटीबायोटिक कहा जाता है। आज की डेट में एंटीबॉडी की भी खोज की जा चुकी है। एम्पिसिलिन की अगर बात करें, एम्पिसिलिन जो है ये एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की खोज भी की जा चुकी है। एंटीबायोटिक बनाने का मुख्य स्रोत क्या है? एंटीबायोटिक दो चीजों से बनाए जाते हैं, या तो एंटीबायोटिक बनेगी फंगस यानी कि कवक से, या तो एंटीबायोटिक बनाया जाता है बैक्टीरिया से। किससे बनाया जाता है बच्चा? बैक्टीरिया से। प्रियंका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। अब जब टाइम फिक्स है तब लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे यानी कि फंगस और क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, ये दो ऐसे हैं जिनसे क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। गुड नाइट सबको। वाह रानी सिंह, रानी प्रजापति, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन निकाली जाती है? अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है? खरगोश से, भेड़ से, लोमड़ी से, बकरी से? बताइए आंसर, सभी लोग बताइए आंसर। अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है? खरगोश से, भेड़ से, लोमड़ी से, बकरी से? अंगोरा ऊन। आशुतोष यादव ये ऑप्शन बता रहे हैं, आशुतोष यादव बिल्कुल। और सभी लोग प्रियंका सिंह ए ऑप्शन बता रहे हैं, 4 का डी ऑप्शन अनुकल्प सिंह बता रहे हैं, अंशील वर्मा 4 का डी ऑप्शन बता रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब डी नहीं होगा मेरे लाल, इसका सही जवाब जो होगा ए ऑप्शन होगा। खरगोश जो होता है, खरगोश की अगर हम बात करें तो खरगोश से ही अंगोरा ऊन बनाई निकाली जाती है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन की अगर बात करें तो ये बहुत ही पतली ऊन होती है, और पतली ऊन होने के साथ साथ ये बहुत ही सिल्की ऊन होती है। आप देखे होंगे बहुत कुछ ऐसे जाकेट आते हैं जो बहुत सिल्की होते हैं, अंगोरा ऊन के बने हुए वो होते हैं। वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं क्योंकि ज़्यादातर खरगोश तो है नहीं, खरगोश से ऊन रेयर बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है, तो उनसे जब प्राप्त करके बनाते हैं तो ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सिल्की होती है, और तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, अगर हम बात करें खरगोश, खरगोश क्या होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। लिखा है, महिलाओं में
अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में ये क्या, यहाँ पे पुरुष होगा बच्चा। महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्टेड्स वुमेन इजली देन दैट ऑफ मेन, यानी कि हृदय आघात। ठीक, हृदय आघात, हार्ट अटैक, जठर रोग, जठर शोथ यानी कि हेपेटाइटिस, गठिया संधि शोथ, ज्वाइंट अथराइटिस, गठिया अथराइटिस। महिलाओं में ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं? रानी प्रजापति देवी जी, इस पर भी ध्यान दो, महिलाओं की बात हो रही, नहीं तो भविष्य खतरे में आ सकता है, ध्यान दो बच्चा। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? सी इज राइट, राधे श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधे श्याम, डी इज राइट। राधे श्याम कहाँ मेरे लाल, तुम कहाँ गायब हो इस वक्त? अच्छा, इस वक्त चुनाव में रैली वैली कर रहे होगे। वेरी गुड परफॉर्मेंस। आशुतोष यादव, देखिए, अरे यहाँ पे देखो, बी ऑप्शन अनुकल्प सिंह हेपेटाइटिस बता रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सबसे ज्यादा जो बीमारी होने के चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं? वो गठिया के चांसेस होते हैं। गठिया की बीमारी सबसे ज्यादा देखो किसको होती है? महिलाओं की। कारण ये है, अब बैठकर महिलाएं ज्यादातर काम करती हैं, बैठकर ज्यादातर घर में रहती हैं, बैठकर टीवी देख रही हैं, बैठकर खा रही, कहीं कोई पता चले जाना आना कम है, रेयर जाना आना पड़ता है, तो बैठने बैठने के कारण क्या होता है? अब पता चले ऊपर सुख सुविधाएं और भी हैं, एयर कंडीशन में लेटा हुआ आदमी, महिलाएं लेटी हुई, लेटा हुआ नहीं, तो इसमें क्या होता है, इसकी इसमें क्या अथराइटिस यानी कि गठिया का शिकार ज़्यादातर महिलाएं हो जाती हैं। तो ज़्यादातर गठिया जो होती है वो पुरुषों की अपेक्षा किसमें होती है? ज़्यादातर पुरुषों की अपेक्षा गठिया किसमें होती है? महिलाओं में होती है। बट सर इट इज ज्वाइंट अथराइटिस। हाँ ज्वाइंट अथराइटिस, सॉरी, हाँ ज्वाइंट अथराइटिस सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन, ज्वाइंट में पेन होता। सही कह रही देवी जी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, ये क्या हो रखा है यार, पीयूष, पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथ कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथ यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इज मस्तिष्क में, ब्रेन में होती है, गुर्दे यानी कि किडनी में होती है, जिगर यानी कि लीवर में, आंत यानी कि इंटेस्टाइन में। मिस खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिस खुशबू जी, हम समझ रहे हैं सब लोग इस वक्त चुनाव में व्यस्त हो, गुड परफॉर्मेंस। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चा? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? ब्रेन में होती है, किडनी में होती, लीवर में होती, इंटेस्टाइन में। सभी लोग आंसर बताइए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चा पाई जाती है किसमें? ब्रेन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? ब्रेन में। वो भी ब्रेन के कौन से भाग में? हाइपोथैलेमस में। किसमें बच्चा? हाइपोथैलेमस में। समझे बच्चा? हाइपोथैलेमस में होती। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता, आप सभी लोगों को पता है। पिट्यूटरी जो है इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। अगर कभी क्वेश्चन किया जाए, दीपेंद्र चंच चंच दीपेंद्र चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मास्टर, आप मास्टर किसे कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी को कहते हैं। बहुत अच्छे मेरे लाल। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई दें तो इस पेड़ की आयु कितनी होगी? द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ थ्री ऑफ दे ऑफ ट्री हैज 50 रिंग्स, व्हाट इज द एज ऑफ द ट्री? तो उस ट्री की यानी कि उम्र कितनी है? आशुतोष बहुत अच्छे, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है। ए ऑप्शन 50 ईयर्स आशुतोष जी बता रहे हैं। बाकी सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग आंसर बताइए। बिल्कुल,
तो हमने आप लोगों को ये बात पढ़ाया है, अंशील वर्मा अनुकल्प सिंह कहाँ गायब हो गए। तो यहाँ पे हमने आप लोग को पढ़ाया है कि जो रिंग होती है एनुअल रिंग, इसको बच्चा एनुअल रिंग कहा जाता है, वार्षिक वलय। जब हम किसी को लैटिट्यूड काट में काटते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी रिंग दिखाई पड़ती है। ये जितनी रिंग होती हैं उतने साल पुराना पौधा होता है, उतने साल पुराना पौधा होता है। जितनी ज़्यादा रिंग होंगी उतने साल ज़्यादा पुराना पौधा होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनुअल रिंग जो होती है वार्षिक वलय की अगर हम बात करें तो वार्षिक वलय जो होते हैं, वार्षिक वलय की अगर हम बात करें तो वार्षिक वलय बेसिकली क्या है, वार्षिक वलय को गिनकर ही हम पौधे की आयु का पता लगाते हैं। तो ये 50 साल का, जितनी रिंग उतने साल, 50 रिंग बता रहा तो 50 साल। प्रियंका सिंह, डी ऑप्शन इज राइट सर, बिल्कुल। अरे सॉरी, हम मंथ देख रहे हैं, 50 साल, डी ऑप्शन से साल, देखिए बता सही रहा हूँ, 50 साल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है। ओनियन इज अ मॉडिफाइड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ, पत्ता का, लीफ का, तना का, रूट का, जड़, तना यानी कि स्टेम का, जड़ का, रूट का, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बताइए आंसर फटाफट। मिस खुशबू, डी ऑप्शन, आशुतोष यादव, बी ऑप्शन। सब ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं तुम लोग को, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। प्याज जो है वो एक प्रकार का क्या है, तना है। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, घुइया, गाजर, घुइया, शकरकंद बताए थे नहीं बताए थे, अरबी, सूरन, ये सब बताया हूँ नहीं बताया हूँ तुम लोगों को, ये सब क्या है, तना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या बच्चा, स्टेम है, यानी कि क्या है, तना है। इसको अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, तना कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्न पदार्थों की कमी के कारण हो जाता है। डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ विटामिन्स के कारण, सॉल्ट के कारण, हार्मोन के कारण, जल के कारण, बताइए बच्चा। डिहाइड्रेशन, डी ऑप्शन। क्या होता है, जरूरत से ज्यादा जब पानी की कमी आ जाती है शरीर में पानी की कमी आने लगती है तो हम कहते हैं बॉडी क्या हो गई है, बॉडी क्या कर रही है, डिहाइड्रेट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, लिखा है किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है। द एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाई इट्स, यानी कि किसके आधार पर होता है, घेरा गिर्थ के आधार पर, ऊंचाई हाइट के आधार पर, विकास वाले ग्रोथ रिंग के आधार पर, सामान्य दिखाव के आधार पर। सभी लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मिस खुशबू, डी ऑप्शन बता रही, आशुतोष डी ऑप्शन, राधे श्याम सी ऑप्शन, राधे श्याम सी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताने को, एक तो आज तुम लोग सब गायब दिख रहे हो, एक तो अभी तुम लोग लाइक भी नहीं किए। हे भगवान, इतने कम लाइक, 2 मिनट रुको पानी ले आए, प्यास लग रही, चिल्ला चिल्ला के हम मरे जा रहे हैं।
टेन का सी ऑप्शन बताया जा रहा। तो बच्चा टेन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। ग्रोथ रिंग जो होती हैं, यहाँ पे अगर बात करें ग्रोथ रिंग की, अगर बात करते हैं तो जो ग्रोथ रिंग होती हैं इन्हीं को एनुअल रिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग बोलते हैं। एनुअल रिंग यानी कि इनको वार्षिक वलय कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वार्षिक वलय। तो ये जो वार्षिक वलय होते हैं इनसे ही क्या होता है, निर्माण होता है किसका, या इनसे ही क्या की जाती, आयु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइए। लिखा साइलेंट वैली में दुर्लभ, ये क्या हो रखा है? ऑप्शन देखिए भाई सभी लोग, रुको भाई जरा हम इसका इलाज कर देते हैं, फोटवा खींच लेते हैं। देखो भाई, क्योंकि इस इसको सही कराना पड़ेगा, दो पीपीटी थी, समझ नहीं आ रहा है। देखिए हम बता देते हैं, लिखा साइलेंट वैली में, इसका सही देखो हम बताने की कोशिश करते हैं। लिखा साइलेंट वैली में, साइलेंट वैली जो है लिखा है साइलेंट आर वैली, ये क्वेश्चन हमको भी समझ नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा जंतुओं में वह एंजाइम, जो वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम विच इनेबल देम टू आ मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वसा से, पानी से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। सॉरी, सम कनेक्टिविटी इशू ओवर हेयर, कोई बात नहीं। बताइए सभी लोग, वह एंजाइम, सभी लोग आंसर बताइए, कौन सी एंजाइम प्रणाली नहीं जंतुओं में जिसके कारण किससे वो ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं? बताओ सभी लोग आंसर। तो यहाँ पे क्या है, वसा है यानी कि फैट, या पानी, किससे आंसर? इसका सही जवाब जो होगा वो बच्चा क्या होगा, इसका सही जवाब होगा फैट यानी कि वसा। यानी कि एंजाइम प्रणाली ऐसी नहीं होती है जंतुओं में, जानवरों में ऐसी एंजाइम प्रणाली नहीं है जिससे पौधे वसा से क्या प्राप्त कर सकें, ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है एस्बेस्टस द्वारा, एस्बेस्टस द्वारा रोग होता है, द डिजीज बाई एस्बेस्टस, वात स्फीति यानी कि इम्फिसेमा, लकवा यानी कि पैरालिसिस, एक अतिसार यानी कि डायरिया, पेचिस यानी कि डायसेंट्री। बताइए सभी लोग इसका जवाब क्या होगा, सभी लोग आंसर बताइए। एस्बेस्टस से कौन सा रोग होता है?
अस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो अस्बेस्टस की अधिकता के कारण इम्फीसेमा रोग होता है, ठीक, इम्फीसेमा, और ये धीरे धीरे करके कैंसर का रूप भी धारण कर लेता। किसका रूप धारण कर लेता? कैंसर। वर्तमान समय में आपने सुना होगा दुनिया की सबसे मीठे पानी में शुमार करने वाली झील जो है, जिसका नाम है लेक ऑफ सुपीरियर। दुनिया में सबसे मीठे पानी में शुमार करने वाली झील लेक ऑफ सुपीरियर की अगर हम बात करें, तो लेक ऑफ सुपीरियर झील जो है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर दुनिया में सबसे मीठे पानी की में शुमार करती है। यहाँ पे वर्तमान समय में एस्बेस्टस की मात्रा क्या हो गई है? बढ़ गई है। एस्बेस्टस की मात्रा बढ़ गई, जिसके कारण इस झील का पानी भी पीने योग्य नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है, लिखा आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? इन द आईस कलर विजन इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि किसके कारण, क्या कहते हैं, कलर विजन इफेक्ट करता है? रक्तक कोट के द्वारा, कोरोइड कोट, दृढ़ पटली कोट यानी कि स्केलरोटिक कोट, या सलाका रोड्स शंकु कोन्स। सभी लोग आंसर बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होता है कोन्स। कोन्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें कोन्स कम डेवलप होने के कारण क्या होता है कि सभी रंगों को देख नहीं पाते हैं। मुख्यतया रंगों की जब हम बात करते हैं तो उसमें लाल और हरा रंग उनको दिखाई नहीं पड़ता है। लाल और हरा रंग दिखाई ना पड़ने के कारण हम कहते हैं कि उनको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, यानी कि उनको क्या हो गई है, वर्णांधता हो गई। तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती, क्या हो जाती है? कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, वर्णांधता हो जाती है। तो वर्णांधता से। अगला क्वेश्चन है, लिखा चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया आवश्यक नहीं है? चाय पत्ती के संसाधन में कौन संसाधन चाय पत्ती के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स? बेलन, रोलिंग, और ड्रिलिंग यानी कि ड्राइंग, किण्वन, फर्मेंटेशन, मलानन। देखिए, राखी गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राखी गौतम, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आशुतोष यादव बता रहे हैं 15 का सी ऑप्शन। राधे श्याम सी ऑप्शन बता रहे हैं। आशुतोष यादव सी ऑप्शन बता रहे हैं। इसका अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा, वैसे क्या कहते हैं, इसकी लैंग्वेज एक तो गड़बड़ हो रही है, तो आज हम क्लास इसको यहीं तक चलाते हैं। थोड़ा हम इसका देख लेते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है, फिर हम आप लोगों को क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है? अगली क्लास 10 बजे होगी, अनअकैडमी पे होगी। इसको हम थोड़ा सही करते हैं, फिर बताते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? दिक्कत आ रही तो करने में दिक्कत हो रही। चलिए,